Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video I will be sharing 10 overnight tips that you guys can go for. जिससे क्या होगा आप लोगों की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी. It will be like very good. मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी फॉर योर हेयर और कुछ मैं टिप्स शेयर करूंगी फॉर योर नेल्स एंड फॉर योर हैंड्स. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ आई विल बी यूजिंग दिस फेस मास्क जो कि एक डी आई वाई मास्क है. इट कंटेन्स बेसन, इट कंटेन्स टर्मेरिक और साथ में इसमें है थोड़ा सा मिल्क. यू गाइज कैन ऐड लेमन एज वेल लेकिन इट वॉज नॉट अवेलेबल. लेकिन ये वाला मास्क इज़ अ वेरी वेरी गुड क्लेंजर. ठीक है और स्किन जो है बहुत ही अच्छी और ग्लोइंग हो जाती है. सो दिस इज लाइक हाईली रिकमेंडेड. I have so many DIY remedies that I can share with you guys. और in fact मैं कर रही होती हूँ but believe me this one is my favorite as a face pack. तो अगर आप लोगों के पास time नहीं है जो कि नहीं होता I know but you guys can use this like twice a week before sleeping and you guys will see the result के ये कितना effective है. And by the way you guys don't need to use a spoon really. You guys can use कोई भी brush होता है. You guys can use your फिंगर्स आप अपना हाथ यूज कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है तो यस वी आर डन हेयर और ये इतना ठंडा लग रहा है मेरे फेस पे. वी आर डन. अब मैं वेट करूंगी फॉर गुड 30 मिनट्स क्योंकि ये सूखने नहीं वाला. आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग ये फाइनली ड्राई हो गया था. आई हैड टू लाइक स्क्रब इट ऑफ. आप लोगों ने इसको स्क्रब करना है अपने फेस से आराम आराम से इन सर्कुलर मोशंस इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव फेस. तो आई हैव फाइनली वॉश्ड माई फेस एंड एज यू कैन सी बेसन को लगाने से ना इतने अच्छे से फेस आपका क्लेंज हो जाता है. यू वोंट सी एनी डस्ट. ठीक है एनी डर्ट ऑन योर फेस और आप लोगों को एकदम से क्लीन और ग्लोइंग स्किन जो है वो यू गाइज विल सी द रिजल्ट. ठीक है तो डू ट्राई दिस एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट. और अगर आप लोग इसमें लेमन के टू टू थ्री ड्रॉप्स ऐड कर लेते हो तो इट विल बी गुड इनाफ. रात को सोने से पहले मेक श्योर कि यू आर यूजिंग अ गुड फेस वॉश. इस तरह से नहीं सोना. इट विल टोटली चेंज योर स्किन. मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नजर आएगा. तो प्लीज़ डोंट मिस फेस वॉश. If you are using a good face wash before sleeping, तो believe me आप लोगों को बहुत सारे मसले जो है ना आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे. जिस तरह अक्सर लड़कियाँ होती हैं they go to sleep with makeup on और ये अब मैं भी करने लग गई हूँ which is like very bad क्योंकि इससे क्या होगा आप लोगों को बहुत सारे ना मसले होने शुरू हो जाएंगे. पिम्पल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं if you don't wash your face and there is dust on your face. ठीक है तो आई विल रिकमेंड कि कोई भी अच्छा सा फेस वॉश जो है वो आप लोग यूज़ कर लो. आई एम यूजिंग सेनेडर्म का फेस वॉश. ठीक है बहुत अच्छा है. इसमें छोटे छोटे ना पार्टिकल्स हैं फॉर लाइक स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएटिंग. तो जो इस तरह के स्क्रब्स होते हैं ना फेस वॉश एंड स्क्रब टुगेदर लाइक दे आर रियली गुड. मैंने पॉन्ड्स का भी एक यूज़ किया था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था लेकिन इट लाइक स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम माई फेस तो फिर वो मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था. बट द सेनेडर्म वन इज गुड. मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ले सकते हो. ठीक है वी हैव सो मेनी अदर ऑप्शन. आप लोग कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि यार यही वाला यूज़ करना है. बट हाँ ये देख लेना कि आप लोगों की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा जा रहा है. तो इफ़ यू आर यूजिंग एनी क्लेंजर या फेस वॉश तो मेक श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे से ना अपनी स्किन के ऊपर उसको मसाज कर रहे हो. ठीक है इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट. विटामिन सी सीरम जिनको नहीं पता ये एक इतनी अच्छी कोई प्रोडक्ट है ना. इफ़ यू आर रियली इनटू सीरम्स तो यू नो कि विटामिन सी सीरम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. तो मेक श्योर कि यू आर यूजिंग दिस सीरम एट नाइट बिफोर स्लीप. आई एम यूजिंग विटामिन सी सीरम और विटामिन सी सीरम जो है ये है हमारा ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का. आई हैव बिन यूजिंग दिस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि ये इतना सरह गया है. ठीक है इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन अगर आप लोगों के कहीं भी एरियाज हैं फेस के ऊपर जो अक्सर लड़कियों के होते हैं यहाँ पे हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स
डार्क स्पॉट्स हो जाएं, हल्की हल्की डार्कनेस हो फेस के ऊपर, या यू नीड अ ब्राइटर स्किन, तो यू गाइज कैन यूज़ अ विटामिन सी सीरम. विटामिन सी सीरम मैं रेकमेंड करूँगी आप लोग ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करो, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा. एंड मेक श्योर कि यू आर यूजिंग अ गुड क्वान्टिटी, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी सीरम, क्योंकि जब मैं पिछले टाइम पर लगा रही थी ना तो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था. देन आई स्टार्टेड यूजिंग थोड़ी सी क्वान्टिटी ज़्यादा एंड आई कुड सी द रिजल्ट. तो highly recommended organic travelers का बहुत अच्छा. I've been using this for quite a long time now. तो yes, I will let it absorb into my skin for at least 1 minute before I layer anything else on my skin. इससे क्या होगा कि जितनी भी absorption होनी है आपकी skin में, जो भी penetrate होने हैं the serum, तो you will see the result after that. And the good thing of this vitamin C serum is कि इसमें ना hyaluronic acid है जो कि आपकी skin को plump करता है, तो मुझे इसलिए इनकी ये product ना बहुत अच्छी लगती है. And yes, you can use the rest of the serum on your neck. Next time using a good moisturizer, आप लोगों ने सोने से पहले moisturizer skip नहीं करना and you will get a very healthy and glowing skin the next morning if you start use moisturizer. नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस रैपिड रिपेयर मॉइस्चराइजर जो कि है हमारा ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप लोग कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ये अगेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो मुझे ये सूट करता है, इसलिए मुझे इनका मॉइस्चराइजर अच्छा लगा है. ठीक है, तो वो विटामिन सी तो मैं रिकमेंड करूँगी, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी कम है. इफ़ इट्स नॉट इन योर बजट तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एनी अदर मॉइस्चराइजर. पॉन्ड्स का बहुत बहुत अच्छा है, सर्दियों के लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं. ठीक है, और निविया के बहुत अच्छे हैं, तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप लोग वो भी खरीद सकते हो. श्योर कि आप लोग मॉइस्चराइजर को बहुत अच्छे से अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर रहे हो. थोड़ी सी और स्किन केयर करने के बाद आई विल बी मूविंग टू अ लिटिल बिट ऑफ हेयर केयर, ठीक है, और लास्टली आई विल बी डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ फेस मसाज यूजिंग गुआशा. अगर आप लोग चाहते हो ना आप लोगों की फेस थोड़ा सा लिफ्टेड लगे, ठीक है, और थोड़ा सा चिजल्ड सा लगे, कुछ हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं दे हैव लाइक गुड जॉ लाइन्स एंड यू वॉन्ट सच फेस शेप, ठीक है, आप अपनी फेस शेप चेंज नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी सी लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाती है, बिकॉज आई हैव यूज इट और मैंने उसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे एंड देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज ऑन देयर ऑन यूट्यूब जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि गुआशा इज लाइक रियली गुड. ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग अ फेशियल ऑयल और साथ में आई विल बी यूजिंग अ गुआशा इन ऑर्डर टू डू द फेस मसाज. ठीक है, तो लेट्स क्विकली डू दैट. गुआशा मुझे नहीं मिला, now I am going to be using my hands for facial massage and let me share a story as well. अच्छा, तो for facial massage I am using this quench serum जो कि है organic travelers का. ठीक है, I'll be using 6 drops at least इस serum के. ठीक है, and the story is के I don't know what's up. I seriously don't know what's up. होता पता क्या है, आई हैव लाइक लॉट्स ऑफ मेकअप क्योंकि मैं अगेन कॉन्टेंट बनाती हूँ. ठीक है, तो ना मेरी ना चीज़ें गायब होने लग गई. आई हैव बिन लुकिंग फॉर दिस फाउंडेशन फॉर सो लॉन्ग. ठीक है, एंड आई आस्क्ड माई सिस्टर कि यार मुझे ना मेरी फाउंडेशन नहीं मिल रही. मैंने पूरी अपनी कवर्ड देख ली, मैंने कवर्ड था मुझे नहीं मिल रही. ठीक है, एंड देन शी लुक्ड फॉर माई फाउंडेशन. मुझे कहती है कि मैंने उसकी पिक्चर ली थी, वो यहीं पर तो पड़ी है. मैंने कहा कि like it's not there, I have seen my whole cupboard and when she came and she opened the cupboard bilkul samne padi thi and I don't believe ke maine na dekhi ho. This is not possible because I use it every day. That's the Misro silk foundation in shade ivory 6. theek hai, uske bare mein baat kar rahi hu. theek hai, and that's the foundation that I have been obsessed with aur main wo dhoond rahi thi aur mujhe wo nahi mili. I don't know mere sath ye kya mazak hota hai. and now I have been looking for guasha और मुझे वो नहीं मिल रहा एंड आई नो कुछ दिनों बाद मुझे मिल जाएगा. दैट्स स्केरी, बट वी कैन यूज आवर हैंड्स. इफ यू डोंट हैव गुआशा तो दिस इज द अल्टरनेट गाइस, वी कैन ऑलवेज डू दिस.
अच्छा, सो यू हैव टू डू दिस फेशियल मसाज फॉर एटलीस्ट अ मिनट, ठीक है? और आप लोग सुबह देखोगे, यू विल हैव सच अ ब्यूटिफुल एंड ग्लोइंग स्किन. बिलीव इट और नॉट, आप लोग फॉलो करो एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स योर सेल्फ. लास्टली, बिफोर स्लीपिंग आई विल रिकमेंड कि जिन जिन को डार्क सर्कल्स हैं, गो फॉर अ कॉफी सीरम. दिस कॉफी सीरम इज बाय ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स. और अगर आप लोगों को ना सोने की वजह से या टायर्डनेस की वजह से जो टेम्परेरी डार्क सर्कल्स होते हैं ना, ये इनको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है. तो आप लोग इस तरह के यूज़ कर सकते हो, मतलब इस तरह के सीरम्स जो हैं. और जो ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स का, आई रियली लाइक दिस एंड इट स्मेल्स सुपर गुड. मतलब प्रॉपर जो कॉफ़ी की स्मेल होती है ना, इससे वो आती है. तो आई रियली लाइक दिस सीरम, ठीक है? आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो. इसके अलावा आपके पास लाइक हैव डी आई वाई ऑप्शंस एज वेल. लेकिन अगर आप लोग सुस्त हो और यू गाइज कैंट मेक दिस डी आई वाईज एवरी डे, तो यू नीड टू इन्वेस्ट इन गुड सीरम्स इन ऑर्डर टू सी रिजल्ट्स. इसके अलावा आई कैन शेयर अ गुड डी आई वाई. आप लोग यूज़ कर सकते हो वाइटामिन ई की कैप्सूल्स होती हैं, ईवियन कैप्सूल्स. यू गाइज कैन डायरेक्टली यूज दोज अंडर आईज और आप लोग देखोगे कि आप लोगों की जो अंडर आईज है ना, वो लाइट होना शुरू हो जाएंगी. आई हैव यूज दैट एंड इट वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स. तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, जस्ट गो फॉर ईवियन की कैप्सूल्स फ्रॉम एनी फार्मेसी और आप लोगों को ट्राई करके देखो. बहुत हल्के से 1 to 2 drops यहाँ पे आप लोग इन्हें अप्लाई करके देखने हैं एंड डू लेट मी नो इफ यू सी द रिजल्ट्स. वी डोंट यूजली टेक केयर ऑफ आर नेल्स और नेल्स का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई फील कि हर एक की नज़र आपके नेल्स के ऊपर ज़रूर पड़ती है, तो उनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सो फॉर दैट आई एम यूजिंग अ पेट्रोलियम जेली. आप लोग किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो, वैसलीन की यूज़ कर लो. मेरे पास फ्रेश एंड जॉय की पड़ी थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? थोड़ी सी आप लोगों ने लेनी है और इसको अपने नेल्स के ऊपर ना अच्छे तरीके से मसाज कर लेना है. इससे क्या होगा, आप लोगों के नेल्स बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे. आप लोग अक्सर वी यूज़ लाइक नेल पेंट्स अलॉट और हम लोग फिर रिमूवर यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा नेल्स जो है ना, वो ड्राई हो जाते हैं. तो फॉर दैट हम लोग उससे ख़त्म करने के लिए और इन ऑर्डर टू रिस्टोर द शाइन, आई एम यूजिंग दिस पेट्रोलियम जेली. आप लोग यूज़ करके देख लेना, यू विल फील द डिफरेंस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस बॉडी बटर बॉडी लोशन जो कि है हमारा ब्यूटिफाई बाय आमना का और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है. ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना, मॉइस्चराइज नहीं करता अगर आपकी ड्राई स्किन है, ठीक है? तो उसके लिए आई एम एडिंग पेट्रोलियम जेली. और स्पेशली इन दिस वेदर यू नीड पेट्रोलियम जेली. इतना कोई ड्राई मौसम या ठंड में आई थिंक ड्राइनेस हर एक को हो ही जाती है, ठीक है? तो इफ़ यू डू दैट तो आप लोगों को ना बिल्कुल भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होगी और आप लोगों को बहुत ही अच्छी हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज स्किन जो है ना आप लोगों की, इट विल लाइक स्टे ऑल डे. तो अगर आप लोग एक दफ़ा ये रात को कर लेते हो ना ऑन योर हैंड्स और जहाँ पे भी आप लोगों को ड्राइनेस है, आप लोग अपने पैरों पे भी कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों की जो ड्राइनेस का इशू है ना, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा. आई विल बी डूइंग मसाज अपने हाथों का बहुत अच्छे तरीके से. जब भी आप लोग शॉवर लेते हो ना उसके बाद, आई थिंक दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन डू. नेक्स्ट आई विल बी डूइंग मसाज, हेयर मसाज, ठीक है? आई विल बी एडिंग हेयर ऑयल टू माई लेंथ्स एज वेल, क्योंकि मेरे जो हेयर की लेंथ्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हैं, ठीक है? तो आई विल रिकमेंड के यूज़ कोकोनट ऑयल ऑन योर हेयर लेंथ्स, ठीक है? और वट एवर ऑयल यू आर यूजिंग ऑन योर स्कैल्प, क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल ना अपनी स्कैल्प के ऊपर सूट नहीं करता. तो यूज़ वट एवर ऑयल यू आर यूजिंग ऑन योर स्कैल्प, जो भी आप लोगों को सूट करता है, एंड यूज़ कोकोनट ऑयल ऑन योर हेयर लेंथ्स एंड यू विल सी द डिफरेंस. इतने अच्छे से बालों के अंदर मॉइस्चर लॉक होता है ना, और जो वो जो एकदम से फ्रिज आता है ना, जिस तरह अभी आई हैव दिस लिटिल बिट ऑफ फ्रिज, ये भी ख़त्म हो जाता है कोकोनट ऑयल यूज़ करने से. यू डोंट नीड टू स्ट्रेटन योर हेयर द नेक्स्ट डे, ठीक है? यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज इट लुक्स लाइक वेरी नाइस. तो आई एम गोना डू दैट. और हॉट ऑयल मसाज जो है ना, आप लोग हेयर ऑयल माइक्रो में भी कर सकते हो. मैं माइक्रो में करूँगी. आई एम नॉट गोना यूज़ द डबल बॉयलर मेथड बिकॉज आई एम वेरी लेजी, ठीक है? तो आई विल बी बैक, आई विल शेयर द हेयर ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ भी, और आप लोग खरीद सकते हो. So this is the hair oil that I will be using. ये मैं ना बहुत, आई थिंक आई हैव बिन यूजिंग दिस फॉर अ ईयर नाउ. ये है ऑर्गेनिक हेयर ऑयल बाय SE, वट एवर दैट इज़. मुझे नहीं पता SE का क्या मतलब है, बट इट्स अ पेज, ठीक है?
और ये होममेड है, वो जो इनकी जो यहाँ पे बनाती है ना हेयर ऑयल, शी इज़ लाइक मेकिंग दिस हेयर ऑयल एट होम, ठीक है। और मुझे ये इतना सूट किया था, आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ और हेयर फॉल, और मेरी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गई थी, फ़ौरन नहीं कंट्रोल हुई थी, लाइक ओवर अ ईयर कंट्रोल हुई थी, बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गई थी। सो दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल दैट आई एम यूजिंग, सेकेंड या थर्ड, येस दिस इज सेकेंड, ठीक है। और आई विल बी कमिंग बैक, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा हीट अप करना है ताकि मेरे स्कैल्प के अंदर ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब हो जाए। तो हेयर इज़ द हेयर ऑयल जो कि मैंने डाल लिया है, ठीक है। नाउ आई विल बी अप्लाइंग इट टू माई स्कैल्प, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। आप लोगों ने अच्छे से ना अपने बालों का मसाज कर लेना है, अगर आप लोग मसाज कर रहे हो ना तो आप लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और बिलीव मी इट हैज़ लाइक सो मेनी बेनिफिट्स, आप लोगों के बाल थिक हो जाएंगे। तो अगर आप लोग हेयर मसाज नहीं कर रहे तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, इवन अगर अपना आप सर उल्टा के जो आप अपने करते होते हो ना मसाज, आप लोगों ने वो भी करना है, ठीक है, फॉर गुड हेयर ग्रोथ। कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ करना था, बट ये मैंने इतना ज़्यादा ऑयल ज़ाया नहीं करना था, सो आई एम यूजिंग द सेम ऑयल। अच्छा, तो इसी को मैं अपने हेयर लेंथ के ऊपर अप्लाई करने लगी हूँ अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा मैंने अप्लाई किया था ताकि मेरी जितनी भी ड्राइनेस का इशू है ना वो ख़त्म हो जाए, और फॉर अ वीक माय हेयर लुक्स गुड, ठीक है, और शाइनी लगें। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस ऑन माय लेंस। सो आई विल बी लीविंग दिस हेयर ऑयल ओवर नाइट, ठीक है, क्योंकि मुझे उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो फॉर दैट आई विल ब्रेड माय हेयर, ठीक है, टाइट टाइट लूज, इट्स टोटली अप टू यू, जिस तरह भी आप लोग कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। आई एम गन डू दैट ताकि आई कैन ईजिली स्लीप एज वेल। मैंने अपने बालों को इतना स्ट्रेट किया है, इतना कर्ल किया है दैट आई हैड टू डू दिस, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव माई हेयर, एंड आई नीड टू गेट कटिंग डन एज वेल। अगर आप लोगों के बालों में स्प्लिट एंड्स आ रहे हैं तो यू नीड टू कट गेट अ हेयर कट, एंड आई थिंक आई नीड दैट एज वेल, जो कि हम बाद में लेंगे, बट राइट नाउ आई नीड टू टेक केयर थ्रू ऑयलिंग और कंडीशनिंग या कोई भी अच्छा शैम्पू दैट आई बी यूजिंग, आप लोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लिप मास्क जो कि हमारा एंटाइस का है, और ये वाला मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू हैव बिन फॉलोइंग माई यूट्यूब चैनल तो आई हैव शोन यू दिस लिप मास्क बहुत दफ़ा, ठीक है, क्योंकि आई रियली लाइक इट, आई प्रेफर दिस ओवर वैसलीन एज वेल। तो ये लिप मास्क जो है ना, ये एंटाइस का, आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर सो लॉन्ग, और मुझे ना ये इवन वैसलीन से भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो एडिशनली यू गाइस कैन स्क्रब योर लिप्स एज वेल, ठीक है, लेकिन राइट नाउ आई थिंक आई डोंट नीड स्क्रबिंग, इट्स फाइन। मैं एक लिप मास्क जो है वो अच्छे से थिक लेयर जो है उसकी अप्लाई कर लूँगी, और सुबह आई विल हैव लाइक नो चैप लिप्स, बहुत अच्छे से ना ये आपकी लिप्स को हाइड्रेट कर देगा, ठीक है। तो हेयर वी आर डन विद द वीडियो, आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मैं वीडियोज डालती रहूँगी, आई एम अ लिटिल बिट बिजी आजकल, तो वीडियोज मैं हफ्ते बार डाल रही होती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ कॉमेंट्स। एंड टेक केयर एवरी वन, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह।